हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बहुत थक चुका हूँ क्योंकि आज मेरे को बहुत काम था घर पे। सुबह से काम ही कर रहा हूँ मैं। और आज सबसे पहले मैंने झाड़ू मारा घर अंदर का, फिर बाहर का आंगन का, फिर गाय बच्ची बाहर निकाली, फिर उसके बाद मैंने कपड़े रखे धोने के लिए, फिर उसके बाद पानी गर्म किया अपने लिए, फिर चावल बनाए। उसमें मतलब गेहूं पड़ रखे थे तो गेहूं बीन के मैंने साइड करे। और फिर मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा सामान बिखर रखा था तो उसको ठीक से रखा। और फिर कुत्ते को खाना दिया और दाल बनाई, दाल फिर खाना खाया। और उसके बाद हमारी मुर्गियाँ हैं तो मुर्गों को भी खाना दिया, फिर गाय बच्ची को भी खाना दिया और उनके लिए पानी गर्म भी किया गाय बच्चों के लिए। और उसके बाद मैंने उनको पानी दिया, उसमें घर में बोलते हैं पींडा, तो उसमें पींडा डाल के, नमक डाल के, जो मोटा नमक होता है उसको डाला। फिर मैंने उनको पानी दिया और उसके बाद धूप सेकने के बाद उनको धूप सेकाई, फिर उसके बाद अंदर बांधे। और फिर मैंने अपने लिए नहाने के लिए पानी गर्म किया था। फिर उसके बाद मैं नहाया, नहाने से पहले मैंने जो मैंने कल ड्यूटी पे कपड़े ले जाने हैं वो कपड़े मैंने धुल दिए थे। फिर उसके बाद मैंने नहा के, फिर उसके बाद मैंने जूते भी धुले। और फिर अभी मैं जस्ट आटा गूंथ के फिर रोटी बना रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये मैं रोटी बना रहा हूँ, और एक रोटी मैंने बना दी है, ये हमने रोटी बना दी है। और मैं आपको कपड़े दिखा देता हूँ कि मैंने कितने सारे कपड़े धुले हैं। गाइस आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हैं टोपी है, सॉक्स हैं, और ये मेरे हैंड स्लिप्स हैं, और रुमाल है, और एक जोड़ी जूता यहाँ पे है, और एक जोड़ी जूता यहाँ पर है। तो ये मैंने, और हाँ जो मेन चीज़ था मेरा बैग था गंदा, और तो ये बैग भी धुल रखा है मैंने। तो गाइज आज मैंने बहुत काम कर दिया है, थक चुका हूँ, और आप देख सकते हैं कितना साफ रख रखा है मैंने। और यहाँ पे पूरा ये सामान दिख रहा होगा आपको, ये पूरा इधर पूरे चारपाई पे बिखर रखा था तो इसको मैंने ठीक ठीक से रख दिया। और ये डब्बे भी थे, ये डब्बे मैंने अभी ऐसे संजो के रख दिए हैं। फिर उसके बाद मैं आ रहा हूँ तो रोटी बनाता हूँ, उसके बाद आगे मैं दिखाता हूँ फिर। तो गाइज मैंने अभी 2 रोटी बना दी है, और ये बेल दिया मैंने, और एक ये चूल्हे पे है, और इस पे दाल है, ये दाल मैं गरम करके फिर इस पे रोटी खाऊंगा। तो गाइज मैंने बना दी है 4 रोटी मैंने बना दी है, और ये एक ये पाँचवीं है, इसको बना रहा हूँ। और ये सुबह के छोले बचे हुए थे और इसको मैं गरम कर रहा हूँ क्योंकि हम ठंडा नहीं खाते। तो गाइस मैंने अभी चाय रख दी है बनाने के लिए, ये देख सकते हैं आप। और ये मैंने छोले गरम कर दिए हैं, ये सुबह बनाए थे हमने, और अब इसको गरम करके मैंने, अब थोड़ी देर में खाते हैं जब चाय बन जाएगी। तो गाइस ये हमारा प्यारा सा डॉगी है, जिमी है इसका नाम, और मैंने इसको रोटी दे दी है। और ये अभी 1 साल का नहीं हुआ है, ये अभी 9 साढ़े 9 महीने का है। जनवरी में इसको 12वां महीना लग जाएगा, और फरवरी, हम फरवरी में लाए थे इसको, मतलब जनवरी में आता है इसका बर्थडे, हम फरवरी में लाए थे, तो अभी ये 9 साढ़े 9 महीने का है। तो गाइस मैंने इसमें दूध डाल दिया है, और काफ़ी टेस्टी चाय बनाता हूँ मैं क्योंकि आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं तो अदरक पड़ती है, और अदरक से इतना टेस्ट आता है कि क्या ही बताएं, बहुत अच्छी चाय बनती है अदरक से। और अच्छी इसलिए भी बनती है कि मैं काफ़ी देर तक चाय उबालता हूँ, और उबालने से उस पर काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मिलते हैं चाय बनाने के बाद। तो गाइज हमारी चाय भी बन चुकी है और हमारे गर्मा गर्म छोले भी तैयार हैं, और अब खाते हैं हम रोटी में। हम इसमें हमने
नींबू भी निचोड़ रखा है और थोड़ा सा हरी मिर्च काट के डाली है, तो इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ। तो गाइस बहुत ही टेस्टी हो रहा है, इसमें जो नींबू का खट्टापन आ गया थोड़ा सा, तो काफ़ी टेस्टी हो रहा है, और हरी मिर्च का तो टेस्ट ही अलग होता है। तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद, तब तक मैं खाना खाता हूँ। तो गाइस मैंने खाना खा दिया है, और अभी मेरे को गाय बाहर निकालनी है थोड़ी देर में, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।